हेलो गाइस गई वालेकुम वेलकम टू माय चैनल योर सेल्फ और मैं हूं जेबास आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मैं उसके जल से बहुत ज्यादा खुश हूं तो मैं किसी भी जल से मैं बहुत खुश हूं और मैं आपके साथ ना शेयर करूं ऐसा तो नहीं हो सकता सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत बार कहा कि मेरी स्किन ड्राई हो गई ड्राई हो गई ड्राई हो गई अजीब सी लग रही है ना फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है ग्लोई ग्लोई हो गई है और मैं जल्दी से आपको अब मैं उसको बारे में बताने वाली हूँ आपको तो जब मैंने यूज़ कर रही तब मेरे को थोड़े ही दिन हुए थे बट अब अच्छे से बहुत दिन उसको हो गए यूज़ करते करते और मैं उसके रिजल्ट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ सो so, आई थाट कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ तो मेरे पास है मेरा ये मामा अर्थ का एक्वा ग्लो पूरा रेंज है मेरे पास इसका फेस वॉश मॉइस्चराइजर एंड सिरम तीनों चीज़ मेरे पास है सो मैं इनको अच्छे से यूज़ कर चुकी हूँ और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और विंटर्स में यार ज़रूरी है ही कि हमारे वैसे लगता है कि जरूरत है बट विंटर्स में बहुत मस्ट हो जाता है कि हमारी स्किन में ऐसा कुछ हो ना जो हमारी स्किन को बूस्ट कर दे और बढ़िया से मॉइस्चराइज कर दे और तो सब ये चीजें हैं जो सब हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगी सो so, वीडियो पूरा देख लें और वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज गिव मी अ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो से लेट्स गेट द वीडियो सो एंडियोज बात कर लेते हैं सबसे पहले इसमें आपको थ्री चीजें मिलती हैं फर्स्ट इज सिरम एंड सेकेंड इज मॉइस्चराइजर एंड थर्ड इज फेस वॉश ठीक है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेस वॉश के बारे में सो so, ये एक लंबा सा ये ऐसे आता है सो so, इसपे लिखा हुआ है मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस वॉश विद हिमालयन एंड थर्मल वाटर एंड हाइलोरिक एसिड तो ये ऐसा बॉक्स आता है जो व्हाइट एंड ब्लू इन कलर में है और यहाँ पे ऐसे जैसे वाटर होता है ना रिवर जैसा होता है वैसे जैसा यहाँ पे प्रिंट करा हुआ है सो so, इसके ऊपर लिखा है मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस वॉश विद हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलोरनिक एसिड गैस मैं आपको बता दूँ जो हिमालयन थर्मल वाटर होता है वो आई थिंक हिमालय में पाया जाता है एंड उसका जो वाटर होता है ना वो हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है वो ना बहुत अच्छे से ग्लो देता है आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है हमारी स्किन को तो वहाँ जाके तो हम वाटर नहीं ला सकते है ना तो मामा अर्थ ने ये काम हमारे लिए किया है जो वो वाटर वहाँ से लेके आए हैं और हमें इस तरह से दे रहे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड हाई एसिड हाई एसिड हम सबको बताएगी कि कितने बढ़िया से मॉइस्चराइज करता है ग्लो देता है हमारे स्किन को और ना हमारे स्किन को बढ़िया से ग्लो और मॉइस्चराइजेशन का ना जैसे हमारे स्किन को बूस्ट कर देता है एकदम तगड़ा वाला ऐसा सब कुछ सो so, इस पर लिखा है फॉर इंटेंस हाइड्रेशन सो आपकी स्किन एक्सट्रीम लेवल पे भी अगर ड्राई हो गई ना आप इस पूरे रेंज को अगर ट्राई करते हैं ट्रस्ट में आपको एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने मिलेंगे बहुत जल्दी से इसमें लिखा है नीचे पैराबिन एंड एस एल एस फ्री डर्माकोलॉजिकली टेस्टेड एंड सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप सो so, आपकी अगर जहाँ पे लिखा होता है ना सूट्स फॉर ऑल स्किन टाइप इतना रिलैक्सेशन होता है कि हाँ चलो ठीक है स्किन जैसी भी है वर्क करेगा है ना सेकेंड मुझे अपनी स्किन का समझ नहीं आता कि कब कैसी क्या हो जाए मैं कभी आप सुनते हैं बहुत है, स्किन बहुत ऑयली है और विंट समर्स में ना मेरी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑयली ही रहती है लाइक like, जब आप सुबह सुखा उठते हैं ना ऐसा कि आप उससे एक पराठा बना लेंगे इतना ज़्यादा ऑयल रहता है फेस पे इन समर्स बट विंटर्स में पता नहीं ऑयल कहाँ चला जम जाता होगा आई थिंक जैसे सारे घी वगैरह जम जाते हैं ना ऐसा सब कुछ सब पार्ट ऑफ द जो जो प्राइस है वो फोर हंड्रेड रुपीज़ है और सेल्फ लाइफ है आपको टू इयर्स की मिलती है और इसकी क्वांटिटी जो है वो हंड्रेड एम है

सो so, जैसे इसको प्रेस करना है यहां से आपका ये जेल टाइप निकलता है सो so, ये फॉर्मिंग नहीं है ये एक जेल आप आपने कभी डव सोप यूज़ किया है उसको हम कितना भी वॉश करें ना एक फेस पे एक मॉइस्चराइजेशन रहता है ना तो इसके इसको यूज करने के बाद भी सेम ऐसा ही रहता है सो so, इसमें ना ऐसे विसल्स दिए हुए हैं सो so, इसके कैप पे ना ऐसा बना हुआ है लाइक आपके जो आपके जो आएगा सामान उससे आप आपने ऐसे रब करना है ओके okay? बट गाइज अब आप जब इसे ऐसे फील करेंगे ना इट्स फील वेरी वेरी सॉफ्ट ऑन योर मतलब ऑन योर हैंड फिंगर्स जब आप ऐसा फील कर रहे हैं उसको बट जब आप इसे अपने फेस पे लगाते हैं ना आई डोंट नो वाई ये लगता है फेस पे लाइक like, जैसे जैसे हमारा मामा अर्थ का जो मेकअप रिमूवर है उसके जो बाव, जो उसका वो है बहुत सॉफ़्ट है बहुत माइल्ड है बट ये ऐसा नहीं है और ये मुझे फेस पे अपने फील होता है इतना नहीं कि मैं ना यूज़ कर सकूँ मैं बट मैं नहीं करती हूँ बिकॉज मुझे वो लगता है तो मैं इसको लेके जस्ट अपने हैंड पे एंड अपने हैंड से यूज़ करना करती हूँ मैं इसको नहीं यूज़ करती हूँ तो आपने जस्ट इसको हल्का सा प्रेस करना है ऐसा करके एंड जस्ट उसको लेके जस्ट आपने रव करना है एंड आपने उसको वॉश कर देना है तो इसमें कोई ना आपको फॉर्म नहीं बनती है आपकी से तो मैं बता दूँ आपको क्या आप सोचेगी फॉर्म बनेगा तो ऐसा नहीं होता ये जेल कंसिस्टेंसी है इसकी और ये जेल ही रहता है मैं फ़ेस जस्ट वॉश करके बैठी मैंने कुछ लगाया नहीं है जस्ट मैंने वॉश किया है सो हम आई की जो क्रीम है वो लगाएंगे अपने फेस पर सो बात हो गई है हमारे फेस वॉश की सो नेक्स्ट है हमारे पास सिरम मुझे ये सिरम इतना ज्यादा पसंद आया है मैं आपको चलो पहले हम इसके बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं सो ये है ना ऐसा आता है सब बाहर हैं कॉज मैंने यूज करती हूँ बॉक्स को मैंने रख लिया था कॉज मुझे आपको दिखाना था सो ये ऐसा आता है अगेन ये हमारी ब्लू एंड वाइट कलर का है अगेन इसमें लिखा है मामा अर्थ एक्वा ग्लो फेस सिरम विद हाई विद हिमालय थर्मल वाटर एंड हाइलोनिक एसिड फोर सेवन टू आर हाइड्रिशन गाइज सेवेंटी टू आर मीन्स बहुत लॉन्ग टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है ठीक है तो सेवेंटी टू आर के लिए मैं कहूँ कि आप अगर आप मुझे पूछेंगे सेवेंटी टू आर के लिए हाइड्रेशन देता है तो मैं कहूँगी नहीं सेवेंटी टू आवर के लिए कैसे देतेगा यार आप मतलब एक एक नॉर्मल सी बात है इतना नहीं होता है ठीक है और मैं आपको बता सकती हूँ ये ट्वेल्व आर बहुत अच्छी अगर आप रात को लगा रहे हैं ना सुबह तक भी आपकी स्किन बहुत हेल्दी और बहुत ग्लोई ग्लोई लगती है ना ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती है सो इस पर लिखा है सेवेंटी टू आर हाइड्रेशन एंड पैराविन एंड सिलिकॉन फ्री डर्मोकोलॉजिकल टेस्टेड एंड सुड फॉर ऑल स्किन टाइप सो और इसका जो प्राइस है वो है सेवन हंड्रेड और इसकी सेल्फ लाइफ है आपको वन ईयर की इसकी सेल्फ लाइफ मिलती है इसका जो इसकी जो क्वान्टिटी है वो थर्टी एम है ठीक है और इसमें जो है पम्प सीरम फिंगर आपने लेना है जस्ट सिंपल जैसे हम ड्राई जैसे हम अपना सीरम यूज़ करते हैं आपने वैसे ही इसको यूज़ करना है और मैन और वो दोनों यूज़ कर सकते हैं अगर आप फिफ्टीन के ऊपर हैं तो सो बात कर लेते हैं हमारे सिरम के बारे में ये बहुत सारा मेरा खत्म हो गया है कॉज मैं इसे बहुत दिन से यूज़ कर रही हूँ अगेन इसका जो बॉटल है बहुत अच्छी है आप इजीली इसको ट्रैवल कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं इसका जो ये है ना बहुत लॉक बहुत स्ट्रॉग है ठीक है सो अगेन इस पर वही सब सेम चीज़ें लिखी है इसकी जो क्वान्टिटी है वो थर्टी एम आपको मिलती है और इसमें ना छोटे छोटे बॉल हैं लाइक आप अगर आपको दिख रहे हैं बहुत छोटे छोटे बॉल्स हैं और जब आप उसे फिंगर आप जब उसे हैंड में लेते हैं ना वो बॉल्स आती हैं साथ में सी अगर आपको दिख रहे हैं। सिरम जो होता है तो पूरा वाइट होता है या तो पूरा जेल जैसा होता है ना बट ये दोनों है आपने जिस अगर आप बॉल देख पा रहे है सी हम थोड़ा सा और लेंगे आउट जस्ट हमने करनी है अपनी स्किन की बढ़िया से मसाज इसको जब यूज़ करते हैं इतना मज़ा आता है ना आपकी स्किन आपको लगाते ही साथ ही आपकी स्किन से इतनी प्लम्प फील होती है ना आपको और इतनी ज़्यादा लगता है कि इसे फटाफट से ना हाइड्रेशन का पूरा बूस्ट आपके स्किन पे आ गया है ऐसा सा कुछ सी कितनी ग्लोइंग हो गई है मेरी स्किन अभी कुछ सेकंड पहले इतनी ड्राई थी सी जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है हमारा ये मामा अर्थ का एक्वा जेल फेस मॉइस्चराइजर सो ये एक है और सेम लिखा है हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलोनिक एसिड फॉर सेवेंटी टू आर हाइड्रेशन अगेन मैं आप कहूंगी सेवेंटी टू आर नहीं रहता है सो यहाँ लिखा है पेरावेन एसिडिकॉन फ्री टेस्टेड एंड ऑल स्किन टाइप और इसका जो प्राइस है वो है सेवन हंड्रेड वन एंड हाफ ईयर की सेल्फ लाइफ मिलती है और जो इसकी क्वांटिटी है वो हंड्रेड एम है वापस ये ऐसी सी बॉटल में आता है सी ये एक जार है एक ग्लास है और ये बहुत हैवी है कॉज ये ग्लास है इसलिए ये हैवी है और मैं हम इसे यहाँ से ऐसे ओपन कर सकते हैं और आप इसे ईजीली कैरी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है यहाँ पर एक कैप लगाया हुआ है सी मैंने इसको बहुत सारा यूज़ कर लिया है ये एक जल इसका जो है मॉइस्चराइज़र है सी और इस इन सब की स्मेल बहुत अच्छी है मैं कैसे बताना भूल सकती हूँ स्मेल्स के बारे में सो so, इनकी स्मेल जो है वो बहुत अच्छी है और ये बहुत ये एक हंड्रेड एम एल की कोांटिटी है इसकी बट ये लाइक like, आपने बहुत थोड़ा सा यूज़ करना है इसको और ये आराम से बहुत दिन आपके चल जाएगा ट्रस्ट मी जिससे आपने लेना है एंड अपनी स्किन को इससे बढ़िया सी मसाज देनी है अब जो सीरम है वो जो मॉइस्चराइज़र है वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता तब तक आपने अपनी स्किन को लाइक like मसाज देनी है सो so, आप पहले मेरी स्किन देख लें और अब मेरी स्किन देख लें कितना बेहतरीन ग्लो है और इतना बढ़िया से मेरी स्किन हाइड्रेट हो गई ना और ये ना आपकी स्किन को फेस को ना कूलिंग इफेक्ट देता है लाइक like, चिल वाला बढ़िया सा ऐसा कुछ देता है और गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ समर्स में स्किन केयर करना ज़रूरी होता है बट विंटर्स में आई थिंक और भी ज़्यादा जरूरी होता है, है। कॉल अगर स्किन डल है तो और ड्राइनेस की वजह से ही स्किन डल होती है ठीक है अगर स्किन डल हो रही है तो एजिंग लाइन बहुत जल्दी आ जाती है आप बहुत जल्दी बुढ़े लगने लग जाते हो और और एक बार स्किन अगर डैमेज हो जाए ना उसे रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत वक्त लेता है रिपेयर करने के लिए सो कोशिश करें कि आप अपनी स्किन को ना डैमेज ही ना होने दें जो हमें उसको ठीक करने के लिए वक्त देना पड़े और सामान यूज़ करने पड़े सो गाइज आई फेट टू टेल यू इसमें वो आगे एक और चीज़ लिखी है कि आपने इसको दिन में और रात दोनों में आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड आप इसे अपने मेकअप के टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं मेकअप लगाने से पहले अपने फेस को मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना आप इसे एज अ मॉइस्चराइजर फॉर मेकअप के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं उन्होंने यहाँ मैंशन किया है जो बहुत अच्छी बात है सो so गाइज ये था आज का मेरा वीडियो आई होप आपने इंजॉय किया है और अगर आप तीनों को इसका पूरा रेंज अगर आप एक साथ लेते हैं ना डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा सो so, मैं उसका लिंक डाल दूँगी आप देख लें और अगर आप वीडियो अच्छी लगे दैन प्लीज़ गिव मी लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद य फ्रेंड्स ऑल्सो थैंक यू